हेलो गाइस, अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो उसको देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखा चले उस एपिसोड का एंडिंग से। वैसे गाइस, तुम लोग जानते हो कि रेन के पास बहुत सारे क्रिस्टल आ गई थी, उसने गॉब्लिन्स को मारकर कलेक्ट कर लिए थे। वह इसके बाद वो आ जाता है गिल्ड में और उसके बाद जो उसके पास क्रिस्टल होता है वो सारा दे देता है उस लेडी को। उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं और साथ ही जो एडवेंचरर कार्ड होता है या फिर पास होता है वो मिल जाता है। वेल, इसके बाद हैप्पी भी होता है और उसके साथ अपसेट भी, क्योंकि जो उसको पैसे मिले थे ये इतना ज्यादा नहीं थे, यानी गाइस उसको इससे भी ज्यादा पैसे चाहिए था। वैसे गाइस, मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ, एडवेंचरर के रैंक के अनुसार उनको पैसे मिलते हैं, तो उसके कारण जो रेन का था वो बहुत ज्यादा लोअर का था, यानी उसने स्टार्ट ही किया था तो उसके कारण उसको ज्यादा पैसे नहीं मिलता है। वेल, इसके बाद रेन सोचता है वो फिर से कुछ काम करने वाला है। वेल, इसके बाद रेन सोचता है वो कुछ और काम करने वाला है क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। वेल, इसके बाद रेन आ जाता है किनारे के पास। रेन को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो कहती है अपना पास मिल चुका है और ये बहुत ज्यादा अच्छा बात है, यानी कनादे रेन के लिए बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। और वो दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच इधर एक बंदा आ जाता है जो कि यहाँ पहले से ये थड़की होता है, कनाडे को नोटिस करता है और उसका आंख कनाडे में आ गया था, यानी वो कनाडे की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। वह इसके बाद वो कनाडे के पास आता है और वो कह रहा होता है कैट ट्रैप की है, यानी ये बहुत ज्यादा रियर है, ऐसे क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे एक ड्रिंक के लिए। और उसके बाद वो लड़की कहती है, यानी कनाडे कहती है नहीं, वो नहीं आना चाहती। सुनकर उस बंदे को अच्छा नहीं लगता और उसके बाद वो कहता है वैसे तुम जिसके साथ हो उससे तुम्हें बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का हो, ये तो एक लूजर है। और ऐसे ही वो रेन को चिढ़ा रहा होता है और उसको देखकर कनाडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कहते हैं ये मेरे मास्टर है, और उसको सुनकर जो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। पहले इसके बाद वो कहते हैं हाँ तुम लोग मुझे जोक करे हो ना, ये नहीं हो सकता, मैं इस बात को नहीं मान सकता क्योंकि ऑब्वियसली मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन इसके साथ ही ये एक लूजर है और ऐसा कभी नहीं हो सकता। बल इसके बाद किनारे कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है, तुम एक अंधे हो, मैंने इतना ज्यादा समझाया और इसके बाद भी तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। और अगर बात की जाए पावर के बारे में तो मेरे मास्टर के पास बहुत ज्यादा पावर है, यानी ये एक बीस्ट डेमर है, उनका पावर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वेल, इसके बाद वो थड़की बंदा कहता है अगर ऐसा बात है तो तुम कह रही हो तुम्हारा मास्टर मुझसे पावरफुल है, और अगर ऐसे बात है तो ठीक है हम लोग एक मैच कर लेते हैं। इसके बाद वो रेन को कहता है वैसे तू क्या कहता है, चलो एक मैच कर ही लेते हैं। इस मैच पे जो भी जीतेगा उसका ही कनाडे होगी, यानी कनाडे इस गेम का प्राइस होगी। और उसके कारण रेन के लिए ये गेम बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका था। रेन जानता है उसके पास इतना ज्यादा तो पावर नहीं था कि वो इस थड़की को हरा सकता है, लेकिन इसके बाद भी उसे गेम खेलना था क्योंकि वो जानता है अगर उसने आज ये गेम एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके बाद ये थड़की बंदा फिर से कनाडे को देखेगा और ऐसे कुछ करेगा। तो इसके कारण रेन चाहता है वो आज इसी मैटर को इधर ही खत्म कर दे। उसके बाद रेन मार चला गेम के लिए और उसके बाद वो आ जाता है आमने सामने, यानी वो लोग आ गए थे एक टेबल में और उनका गेम होने वाला था आर्म रेसलिंग का। इसके बाद हमें दिखा चले वो गेम स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद ही यानी एक ही सेकंड में रेन इस गेम को जीत लेता है, जहाँ पर इसके साथ ही जो बंदा होता है वो गिर भी जाता है क्योंकि रेन के पास बहुत ज्यादा पावर आ चुका था। और इसको देखकर रेन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वो जानता है उसके पास इतना ज्यादा तो पावर नहीं था। इसके साथ ही हमें दिखा चले उस बंदे को, जहाँ पर जो उसका हाथ था वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, तो इसके कारण वो ऐसे चिल्ला रहा होता है और वो कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है। वह इसके बाद वो लेडी इधर आ जाती है और इसके बाद वो उस बंदे को कंट्रोल में ला देती है। इसके बाद वो लेडी रेन के साथ बातें करती है, जहाँ पर वो कहती है इसे वो लेडी बहुत ज्यादा सरप्राइज है क्योंकि रेन के पास एक ऐसा फेमिलियर आ चुका था जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, ये कोई छोटा बात नहीं था। खैर, इसके बारे में दिखा चले कनाडे को, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है रेन और कनाडे जाने वाले अपने नेक्स्ट मिशन के लिए, यानी एडवेंचर करने के लिए, तो उसके कारण कनाडे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वह इसके बारे में दिखा चले उन दोनों को एक फील्ड में, जहाँ पर वो लोग खेती का काम कर रहे होते हैं, यानी वो लोग हर्ब्स को ढूंढ रहे होते हैं। कोई करके कनाडे बहुत ज्यादा बोर्ड होती है, साथ ही अपसेट होती है और वो कह रही होती है कनाडे के हाई होप्स थे, यानी मैंने सोचा था हम लोग बहुत कुछ एडवेंचर करेंगे लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। इसके बाद रेन कहता है हाँ तुम्हारा बात तो सच्ची है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रैंक इतना ज्यादा ऊपर नहीं है, यानी मुझे ऐसा काम नहीं मिलता है। गाइस, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, यानी रेन के पास इतना ज्यादा पावर आ चुका था क्योंकि वो कनाडे के साथ कनेक्ट हो चुका था, तो उसके कारण जो कनाडे के पास पावर है वो रेन के पास भी आ जाता है, यानी थोड़ा तो पावर रेन के पास भी आ गया था, तो उसके कारण रेन बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था पहले से। उसके बाद रेन और कनाडे ऐसे बातें करते हैं और इसी बीच वो लोग एक साउंड को सुनते हैं जहाँ पर कोई चिल्ला रहा होता है, तो उसके कारण वो लोग देखने के लिए चला जाता है कौन मुसीबत में है। और इसके बाद वो लोग आके देखते हैं, यानी जंगल के बीच में एक गैंग होता है और उसके अंदर एक आदमी था, वो एक ओल्ड मैन थे और उनके चारों तरफ एक गैंग था, जहाँ पर वो गैंग उस ओल्ड मैन को परेशान कर रहे होते हैं और इसको देखकर कनाडे या फिर रेन को अच्छा नहीं लगता। पर इसके बाद रेन डिसाइड कर लेता है वो उस ओल्ड मैन का हेल्प करने वाला है, जानकर कनाडे भी हैप्पी होती है। वह इसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं, यानी रेन कहता है वो उस गुंडों से लड़ने वाला है, और इसी बीच अरे तुम ओल्ड मैन को थोड़ा दूर ले जाना और उनको जो हेल्प चाहिए वो कर देना। वह इसके बाद वो लोग अपना काम कर लेते हैं, यानी रेन आ चले फाइट के लिए और उसके बाद वो बहुत ज्यादा इजिली सबको पेल लेता है।
तो कनारी भी अपना काम कर ही दिए और उसके बाद वो रेन की फाइट को देखने लग जाती है, जहाँ पर इसे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो कह रही होती है ये तो बहुत अच्छा है। कनारी रेन का फाइट देखकर अट्रैक्ट हो चुकी थी, रेन का फाइट देखकर रेन की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। वेल इसके बारे में दिखा चले रेन को, जहाँ पर वो अपना फाइट कम्प्लीट कर देता है और उसके बाद वो कनारी के पास आ जाता है। जब भी कनाडे रेन को देख रही थी तो उसके कारण रेन कहता है वैसे तुम्हें क्या हो गया, और उसके बाद कनाडे प्रेजेंट में आ जाती है और वो कहती है उसने अपना काम कर लिया है, कुछ भी हर्ट नहीं हुआ है। और उसके बाद इसको जानकर वो दोनों हैप्पी होते हैं, लेकिन इसके बाद ही नोटिस करता है कनाडे के मुंह को, जहाँ पर वो लाल हो चुका था। तो उसके कारण रेन कहता है वैसे तुम्हारा मुंह लाल क्यों है, और उसके बाद थोड़ा नर्वस हो जाती है और वो कहते हैं नहीं ये तो ऐसे ही, कनाडे कहते हैं नहीं ये तो ऐसे ही है। और इसके बाद वो दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच वो ओल्ड पर्सन उनके पास आ जाता है और वो कहता है वैसे हेल्प के लिए तुम दोनों का बहुत ज्यादा थैंक यू, आज मैंने बहुत ज्यादा हेल्प किया। और इसको जानकर रेन या फिर कनाडे वो दोनों हैप्पी होते हैं। पर इसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है ऐसे हमें इधर से जाना चाहिए, क्योंकि जिनको तुमने पेला है उनके पास से गैंग है, यानी उनका गैंग बहुत बड़ा है, तो वो लोग कठोर या फिर क्रूयल भी है और वो लोग लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं, यानी लोगों को ऐसे मार देते हैं। हमने तो उनके लोगों के साथ ये कर दिया तो उसके बाद तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, तो उसके कारण हमें इधर से जाना चाहिए। और इस बात को सुनकर रेन को फिर से गुस्सा आ जाता है। इसके बाद रेन ये भी डिसाइड कर लेता है हाँ वो उन सबको हराने वाला है, यानी एक साथ ही उनको पकड़ने वाला है। रेन कहता है क्योंकि जब तक वो लोग ऐसे ही फ्री रहेंगे तब तक वो लोग ऐसे ही कटे रहेंगे, नॉर्मल लोगों के लिए अच्छा बात तो था नहीं। तो उसके कारण रेन डिसाइड कर लेता है और उसके बाद रेन जाने लग जाता है, जहाँ पर उसके पीछे पीछे कनाडे भी आ जाती है। और उसके बाद वो दोनों एक स्क्वायर का हेल्प लेके उनके अड्डे की तरफ जाने लग जाते हैं। आधे रास्ते में ही कनाडे कहती है वैसे जो तुमने फैसला किया है क्या ये अच्छा होगा, यानी इसमें बहुत सारे रिस्क है क्योंकि वो लोग बहुत सारे हो सकते हैं और वो लोग डेंजर भी होंगे, तो इसके कारण क्या हम लोग अकेला ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद रेन कहता है नहीं उसके पास एक प्लान है, यानी वो लोग इसमें सक्सेस ही पाएंगे और इसलिए रेन अपना फैसला नहीं बदलने वाला। बल इसके बाद रेन आ जाता है, यानी रेन और कनाडे आ जाते हैं उनके अड्डे के पास और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। अपना प्लान कनाडे को बता देता है, जहाँ पर इसको सुनकर कनाडे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि रेन कहता है रेन इस केव के अंदर जाएगा जहाँ पर उनका अड्डा था और उसके साथ ही कनाडे को इधर बहुत लोगों को लाना होगा गांव से कि वो लोग इन सबको एक साथ ही पकड़ सके। और उसके बाद इसको जानकर कनाडे को अच्छा नहीं लगता और वो कहती है रेन तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं कुछ काम की नहीं हूँ, यानी मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ, और उसके बाद भी तुम मुझे जाने के लिए बोल रहे हो, मेरे जाने के बाद क्या होगा ये भी मैं नहीं जानती हूँ और अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं तो उसके कारण तुम भी डेंजर में आ सकते हो, हालत में मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। वैल इसके बाद कहता है ऐसा बात नहीं है, यानी उसके पास एक प्लान है और अगर सच्ची में वो डेंजर में आ गया तो उसके बाद वो उधर से भाग जाएगा और वो इसका प्रॉमिस कर लेता है। प्रॉमिस के कारण कनाडे भी अपने काम के लिए मान जाती है और उसके बाद कनाडे अपने काम में लग जाते हैं, यानी वो इधर से चली जाती है बहुत ज्यादा स्पीड से। उसके बाद रेन भी अपने मैजिक का यूज करता है और उसके साथ ही वो बहुत सारे बीस को अपनी तरफ ले लेता है, यानी अपने आर्मी में ले लेता है। वेल इसके बारे में सीन आ जाता है रेन के पुराने दोस्तों के पास, जहाँ पर वो लोग एक मिशन में होता है। लोग अपने मिशन में बहुत ज्यादा टाइम से थे तो उसके कारण वो लोग बहुत बोर्ड होते हैं, साथ ही वो लोग गुस्सा हो चुके थे। बाद रेन की जगह इधर एक और न्यू मेंबर था जो कि रेन का काम कर रहा था, यानी वो भी एक बीस तेमड़ी था। वो लोग किसी को ढूंढ रहे थे लेकिन अब तक उन लोगों को वो नहीं मिला था, तो उसके कारण वो लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। पर इसके बाद अपना जो गुस्सा होता है वो लोग बिस्तमर के ऊपर निकालने लग जाते हैं, यानी वो लोग कहते हैं तुम्हें बैटल में आना होगा। और उसके बाद वो बिस्तमर कहते हैं नहीं वो बैटल में नहीं आ सकता, वो बैटल के लिए सुइटेबल नहीं है, वो तो बस इधर हेल्प करने के लिए आया है। और उसके बाद वो लोग कहते हैं अगर हेल्प ही करना है तो तुम्हें एनिमल को नहीं इससे ज्यादा का यूज करो। और वो लोग कहते हैं अगर तुम्हें हेल्प ही करना है तो तुम्हें एक नहीं एक से ज्यादा एनिमल का यूज करना चाहिए। और उसके बाद ही इसको सुनकर वो बीस्ट टेमर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, वो कहता है ये कैसे हो सकता है, ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता, यानी एक बीस्ट टेमर एक ही टाइम में एक ही एनिमल को यूज कर सकता है, यही उनका पावर होता है और इनके अलावा वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद टीम मेंबर कहते हैं अगर ऐसा बात है हमारे पुराने वाले ने इससे ज्यादा का यूज किया था। और उसके बाद वो बंदा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर इसके बाद टीम मेंबर कहती है अगर ऐसे बात है तो तुम झूठ बोल रहे हो, पास पावर नहीं है तो उसके कारण तुम ऐसा कह रहे हो है ना। और उसके बाद वो टीम मेंबर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो उस बंदे को इधर से भगा देती है। वेल इसके बाद वो दोनों एक साथ ही बातें करते हैं, जहाँ पर वो लोग सोचते हैं। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं रेन के पावर के बारे में, यानी वो लोग कहते हैं अंगड़ी बंदा सच में कह रहा था तो क्या रेन में स्पेशल है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर था। और उसके बाद जो उसके पास वाली टीम मेंबर होती है वो कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बंदा बहुत ज्यादा वीक था तो उसके कारण वो ऐसा कह रहा होगा क्योंकि ये मैजिक बहुत सिंपल है, तो उसके कारण रेन ज्यादा पावरफुल कभी था नहीं। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं और उसके बारे में दिखा चले रेन को, जहाँ पर वो एक बी का रेडी कर लेता है, वो एक बी का आर्मी रेडी कर लेता है अपने मैजिक से और उसके बाद वो अटैक कर लेता है उस केप के अंदर। गाइस रेन ने ये एक ही टाइम में किया था तो इससे तुम लोग कह सकते हो रेन के पास बहुत ज्यादा पावर है, यानी रेन स्पेशल है। वेल इसके बाद रेन के अंदर आ जाता है और वो सबको हरा देता है। और उसके बाद में दिखा चले कनाडे भी अपना काम कर लिया था, बहुत से लोगों को लेकर आ जाती है और उसके बाद वो लोग इन सारे गुंडों को पकड़ लेते हैं।
ऐसे ही वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए थे, लेकिन इसके बाद इधर एक और कांड हो जाता है, यानी स्केप के अंदर से बहुत सारा साउंड बाहर आने लग जाता है और इसके बाद वो लोग भी शॉक्ड होते हैं, ये क्या है। और इसके बाद वो लोग देखते हैं स्केप के अंदर एक केज था, उसके अंदर से वो साउंड बाहर आ रहा था। खैर इसके थोड़े बाद ही इधर से यानी स्केप के अंदर से बहुत सारे डिमन बाहर आने लग जाते हैं और वो लोग उस केज को तोड़ देते हैं, यानी वो लोग फ्री हो चुके थे। और इसको देखकर उन्हीं गुंडों में से एक होश में आ जाता है और उसके बाद वो कहता है इनको मैंने पाल के रखा था, लेकिन अभी फ्री हो चुके तो इसकी कहानी अब तुम्हारा खैर नहीं, जाओ इनको मारो। और वो ऐसे अपने डीमन को कह देता है, लेकिन जो उसके डीमन होता है वो उसके पास ही आ जाता है और वो उसको ही मार देता है। ये बहुत ही बेरहमी से था और इसे तुम लोग कह सकते हो ये डीमन किसी के सगे नहीं है, यानी ये सबको मारने वाला है। वाले इसके बाद इसको देखकर रेन और कनाडे फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और इसके बाद वो लोग कहते हैं आप लोग इधर से बाहर चले जाओ क्योंकि इधर रहना सेफ नहीं है। वाले इसके बारे में दिखाया जाता है वो लोग बाहर आ जाते हैं और वो लोग बाहर से सोचने लग जाते हैं अंदर क्या चल रहा होगा। वाले इसके बारे में दिखाया जाता है अंदर वाला सीन जहाँ पर रेन और कनाडे मिलकर सबको मार रहे होते हैं। पास पावर तो बहुत ज्यादा था, यानी वो मॉन्स्टर भी बहुत भयंकर थे, लेकिन इसके बाद भी रेन और कनाडे बहुत ज्यादा इजीली इनको हरा देते हैं। हर लोग अभी भी वेट में थे और वो लोग प्रे कर रहे होते हैं, यानी वो लोग सोचते हैं ना जाने वो लोग इन सारे मॉन्स्टर को कैसे हरा पाएंगे। वो लोग गॉड से प्रे कर रहे होते हैं और इसके बाद में दिखा चले रेन और कनाडे आ जाते हैं बाहर और उनके साथ बहुत सारा क्रिस्टल था और इसका मतलब यही है उन्होंने उन सारे मॉन्स्टर को हरा दिया था। वो दोनों बाहर आ गए थे और इसको देख रहे जो बंदे होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे और वो लोग इस काम के लिए रेन और कनाडे को अप्रिशिएट करते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे और उसको देखकर रेन और कनाडे भी हैप्पी हो जाते हैं। पर इसके बाद रेन कहता है कनाडे मेरी फेमिलर है और जब मेरे साथ कनाडे होते हैं तब मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा हैप्पी था और इसके कारण वो ऐसा कह रहा था और उसको देखकर कनाडे बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद वो यस कहती है और उसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, एपिसोड बहुत अच्छा था और हम लोग मिलेंगे इसके बारे में एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे बताना है तुम लोगों को कैसा लगा और अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो एपिसोड को लाइक कर देना और कमेंट में लिखना 301 के लिए मुझे बताना है तुम लोगों को देखकर कैसा लगा और हम लोग मिलेंगे इसके बारे में एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद चैनल एंड विपेश।